जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के बाद अब नेत्र सर्जन की कमी भी खल सकती है। जिला अस्पताल के मुख्य नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव सक्सेना बुधवार को रिलीज हो गए। सर, डॉक्टर संजीव सक्सेना का उत्तर प्रदेश में पहला नंबर आता है। इनका आंखों के इतना अच्छा ऑपरेशन करते हैं ये। इनको CMS जिला चिकित्सालय कासगंज बना के भेजा जा रहा है। अब इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लखनऊ में भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि CMS के पद पर जाइएगा, यहाँ का बाद में देख लेगी सरकार। तो सर अभी कितनी ओपीडी प्रभावित होगी? सर ये 60 ऑपरेशन से लेकर 70 तक हर प्रतिदिन कर लेते थे। ओपीडी लगभग 300 मरीज आते थे। दूसरे चिकित्सक हैं वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं मार्च में, तो समस्याएं तो काफ़ी आने वाली हैं। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था सर इसके लिए शासन को अवगत कराएंगे, अभी तो कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। तो मरीजों को परेशानी होने की? सर शासन को अवगत कराएंगे। सर ये चिकित्सक भी अच्छे हैं, डॉक्टर संजीव सक्सेना बने भी रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन सरकार के आदेश है तो उनको जाना पड़ेगा अब कासगंज।